दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से एक एक्सेल पेज या एक्सेल शीट के अंदर आप पूरी साल का जो कैलेंडर है, 12 महीने का कैलेंडर जो होता है 12 पेजेस के अंदर, वो आप एक पेज में बना पाएंगे और बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, सिंपल से स्टेप्स के अंदर। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और बात करें कैलेंडर बनाने की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर हमने हेडिंग लिख दी है डेट्स की, और उसके बाद आपको 1 से लेके 31 तक डेट मेंशन करनी है इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो। नॉर्मली आपको टाइप कर लेना, बस टाइप करने की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 7-7 होनी चाहिए, यानी फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 से 7 तक, सेकंड में 8 से 14 तक, थर्ड के अंदर 15 से 21 और फोर्थ के अंदर 22 से 28, और उसके बाद फिफ्थ कॉलम में आपको लिखना 29 से 31, यानी 1 से लेके 31 तक की इस तरीके से हमें डेट्स टाइप करनी नहीं, सिंपल सी, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना इसके अंदर। ये हमारा एक तरीके से डेट का कैलेंडर बन चुका है। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दी और टोटल थर्ड स्टेप के अंदर हमारा कैलेंडर रेडी हो जाएगा मात्र 5 मिनट के अंदर। फर्स्ट स्टेप में हमने 1 से लेकर 31 तक की डेट आपको इस तरीके से इस सिक्वेंस में टाइप कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपको डेज का नाम लिखना, कौन कौन सा दिन है। तो सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे मंडे से लेके संडे तक का, 7 डेज जो होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, एक कॉलम में हमने इस तरीके से टाइप कर लिया। ये भी हमें 7 बार टाइप करना। तो सबसे पहले मंडे से संडे तक ले लिया, फिर दूसरे कॉलम में जो लिखेंगे वो ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे की बजाय ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट 7 डेज जो आ रहा है वो लिख देंगे। जैसे इस बार जो 7 नंबर आ रहा है वो मंडे आ रहा है, ठीक है, 2 नंबर पे हमने इस तरीके से डेज लिख दिया। फिर तीसरे कॉलम के अंदर सेम वही प्रोसेस है, इस बार हम ट्यूसडे को छोड़ के वेनेसडे से स्टार्ट करेंगे और लास्ट हम ट्यूसडे पे जाके स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से 7 डेज की फ्रीक्वेंसी हमें सेट करनी है। सबसे पहले मंडे से स्टार्ट किया, फिर हमने ट्यूसडे से किया, फिर वेनेसडे से किया, और फिर थर्सडे से करेंगे, थर्सडे के बाद फ्राइडे से, और फ्राइडे के बाद सैटरडे से। इस तरीके से हमें 7 कॉलम के अंदर 7 डेज की फ्रीक्वेंसी मेंशन कर लेना। इसमें आप एक चीज जरूर देखेंगे कि अगर ऊपर से आप सीक्वेंस देख रहे हैं तो मंडे ट्यूसडे से संडे तक फ्रीक्वेंस आ रही है, और लेफ्ट से जो हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस देख रहे हैं तो भी आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से संडे तक आएगी। तो इस तरीके से आपको डेज टाइप कर लेना। ये हमारी जो सेकेंड स्टेप थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है, और ऐसे ही एक नॉर्मल स्टेप और हमें फॉलो करना, उसके बाद हमारा मैजिकल 1 पेज कैलेंडर जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसको आप एक पेज के अंदर बना के पीडीएफ बना के मेल कर सकते हो, प्रिंट निकाल के अपने रूम में चिपका सकते हो। इस तरीके से आप खुद की क्रिएटिविटी एक तरीके से यूज करके अट्रैक्टिव चीजें आप बना सकते हो एक्सेल के अंदर। तो ये हमारी सेकेंड जो स्टेप थी वो कम्प्लीट हो गई। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने दिनांक लिखी 1 से लेके 31 तक, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने डेज लिख दिए मंडे से लेके संडे तक, फ्रीक्वेंसी सेट करके मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इस तरीके से आपकी 2 स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। और लास्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों, आपको मंथ का नेम और ऐड करना है। तो मंथ का नेम जो होता है उसके लिए आप 2 या 3 रोज यूज करेंगे, एक रो के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि किसी डेज को जो है ना 2 मंथ भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये हमने हेडिंग लिख दी सबसे पहले मंथ, इसको बोल्ड और इसका कलर चेंज कर देता कि अपने को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद पूरा सिलेक्शन लेके यहाँ पे इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको मंथ लेना, तो थोड़ा सा आपको एक कैलेंडर यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने कैलेंडर ओपन किया और जनवरी मंथ यहाँ पे निकाल लेते हैं, जनवरी 2023 का। इसमें देखते हैं जो स्टार्टिंग डे है ना, फर्स्ट, यानी 1 तारीख जो किस वार की आ रही है, किस डे की आ रही है, किस दिन की आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख आ रही है यहाँ पे संडे की आ रही है, तो हमें क्या करना, जो ऊपर हेडिंग है संडे, संडे की सीक्वेंस में हमें जनवरी टाइप करना है, यानी जनवरी आपको उसी कॉलम में या रो में लिखनी है जहां पे संडे हमारा आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ पे जाएंगे फरवरी पे, और फरवरी पे देखेंगे 1 तारीख कौन से दिन की पड़ रही है, तो वो आ रही थी वेनेसडे यानी बुधवार की, तो हमने वेनेसडे की सिक्वेंस में फरवरी टाइप कर दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दिसंबर तक जो भी मंथ है सभी महीने का कैलेंडर ओपन करेंगे और उसकी 1 तारीख का दिन देखेंगे कि 1 तारीख कौन से दिन को पड़ रही है, और उसी दिन की सिक्वेंस या रो के अंदर हम उस महीने का नेम टाइप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमने मार्च का देखा, मार्च भी वेनसडे का ही आ रहा था 1 तारीख, तो हमने यहाँ पे वेनसडे की सिक्वेंस में मार्च टाइप कर दिया। फिर अप्रैल का देखा तो अप्रैल जो है वो 1 तारीख पड़ रहा है उसका सैटरडे का, शनिवार का, तो हमने अप्रैल सैटरडे की सिक्वेंस में अप्रैल लिख दिया। ऐसे ही हम मई का देखेंगे, मई आ रहा हमारा मंडे का 1 तारीख, तो मई को हमने मंडे की सीक्वेंस में टाइप कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे जून पे, जून पे देखते हैं 1 तारीख को क्या पड़ रहा है, वो आ रहा थर्सडे का, तो आपको थर्सडे की सीक्वेंस में जून टाइप कर देना।
ऐसे ही हम इसको दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो कंप्लीट मंथ था हमारा लास्ट दिसंबर है, तो दिसंबर तक हमको सारे महीने के नाम ऐसे ही सिक्वेंस देख देख के इसमें टाइप करने हैं दोस्तों। तो जून के बाद हमने जुलाई का देखा, तो जुलाई को जो है 1 तारीख आ रही है हमारी सैटरडे की, तो सैटरडे की सिक्वेंस में हमने जुलाई को टाइप कर दिया। उसके बाद देखते हैं जुलाई के बाद अगस्त का, तो अगस्त के अंदर हमने देखा 1 तारीख आ रही है हमारी ट्यूजडे की, मंगलवार की, तो ट्यूजडे की सिक्वेंस में हमने अगस्त टाइप कर दिया। उसके बाद सितंबर देखते हैं 1 तारीख को कौन सी दिन को पड़ रहा, वो आ रहा हमारा फ्राइडे को, तो हमने फ्राइडे की सिक्वेंस में सितंबर टाइप कर दिया। उसके बाद देखते हैं अक्टूबर, तो ये अक्टूबर पड़ रहा हमारा 1 तारीख का संडे का पड़ रहा है ये, तो हमने संडे की सिक्वेंस में अक्टूबर टाइप कर देना। उसके बाद हम देखेंगे अक्टूबर के बाद नवंबर मंथ, नवंबर मंथ कौन सी दिन को आ रहा, वो आ रहा हमारा वेनेसडे को, तो हम वेनेसडे की सिक्वेंस में नवंबर टाइप कर देंगे। और जो लास्ट मंथ हमारा बच रहा है वो भी हम देख लेते हैं 1 तारीख को, तो इसके लिए हमने दिसंबर मंथ का कैलेंडर ओपन किया, 1 तारीख को देखा फ्राइडे, फ्राइडे को आ रहा है दोस्तों, तो फ्राइडे की सिक्वेंस में हमने दिसंबर मंथ टाइप कर दिया। तो ये तीसरी जो स्टेप है हमारी कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ आपका एक पेज 1 ईयर का 1 पेज कैलेंडर जो है वो रेडी हो चुका है दोस्तों। अब इसके अंदर आप थोड़ी सी एडिटिंग या इसका डेकोरेशन कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट आउट निकाल के इसको यूज करना चाहते हैं या इसको कहीं शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे हेडिंग में लिख दिया 2023 1 पेज कैलेंडर, या और कोई भी आपका आइडिया हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही यहाँ पे ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी फॉर्मेटिंग या इसका कलर चेंज करना, बैकग्राउंड में लगाना कुछ भी, या संडे संडे को आपको रेड कलर के अंदर शो करना, सैटरडे को आपको ब्लू में शो करना, वो आप एडिशनल चीजें हैं, फॉर्मेटिंग है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सी जो ट्रिक थी हमारी कैलेंडर बनाने की, कि किस लॉजिक के साथ आप कैलेंडर बना सकते हैं, वो हमने इस वीडियो में बता दिए 3 स्टेप्स के अंदर सिंपल सी। और इसके अंदर आप अगर देखना चाहोगे कि किस तरीके से कौन से दिन को कौन सी तारीख आ रही है, तो सिंपल सी यूज करना, आपको दिनांक पे जाना और दिनांक के सिक्वेंस में जाना कौन सा वार आ रहा, और उसकी सिक्वेंस में जाओगे मंथ, तो यहाँ पे आपको दिनांक मंथ और दिन का पता चल जाएगा, पूरे साल का डेटा एक ही पेज को देखने के बाद। यानी आपको हर साल के लिए, हर महीने के लिए, हर पे कैलेंडर का पेज पलटने की जरूरत नहीं है, एक ही पेज पे पूरी साल का डेटा चाहिएगा। मुझे देखना है मई के अंदर जो है 9 तारीख को क्या वार आ रहा है, या फरवरी के अंदर 9 तारीख को क्या वार आ रहा है, तो यहाँ पे देखूंगा मैं थर्सडे आ रहा है। इस तरीके से आप डेटा को यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि नवंबर मंथ में जो है वो संडे कौन कौन सी डेट को है, तो मैं नवंबर वाली कॉलम के सीक्वेंस में गया, संडे पे सीक्वेंस पे गया, और यहाँ पे देखूंगा संडे आ रहा 5 तारीख का, 12 तारीख का, 19 तारीख का और 26 तारीख का। अब मेरे को इस दिन कोई काम है तो मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ, इसमें कमेंट में कोई क्यूरी डाल सकता हूँ ताकि मैं इसको रिमाइंडर के तौर पर यूज कर सकूँ। ऐसे आप हर संडे सैटरडे या कोई भी अपनी शेड्यूल्ड डेट है वो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस कैलेंडर को यूज कर सकते हैं। एडिशनल इसके अंदर फीचर आप अप्लाई करके, तो अभी ये हमने कंप्लीट कैलेंडर बना लिया है एक तरीके से, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, सिंपल सी लॉजिक यूज करना है। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी जेन्युइन और हेल्पफुल वीडियोज आपको यहाँ पे